हेलो सब गाइस, मैं विथन, स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। तो यार अक्सर मुझसे एक सवाल पूछा जाता है कि यदि हम यूट्यूब पर एक रिएक्शन चैनल से रिलेटेड कोई रिएक्शन शॉर्ट चैनल बनाते हैं तो क्या वो यूट्यूब चैनल मोनेटाइज होगा। अब ये सवाल अक्सर या तो मुझे ऐसे ही यूट्यूब चैनल के द्वारा पूछा जाता है जिनका ऑलरेडी रिएक्शन चैनल होता है, या फिर काफी सारे ऐसे क्रिएटर हैं, यूट्यूबर हैं, जो ये सोच रहे हैं एक नया रिएक्शन चैनल यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना, या फिर जहां पर वो अपने यूट्यूब चैनल पर रिएक्शन से रिलेटेड शॉर्ट वीडियो को अपलोड करें, या फिर बहुत सारे ऐसे क्रिएटर हैं जो कि ऑलरेडी यूट्यूब पर रिएक्शन वीडियो को बना रहे हैं। ऐसे में वो अपने यूट्यूब वीडियो के कुछ छोटे छोटे पार्ट को क्रॉप करके एज अ रिएक्शन शॉर्ट वीडियो अपने YouTube चैनल पर अपलोड करना चाहते हैं। तो ऐसे में उनका सवाल होता है कि क्या इस तरीके का YouTube चैनल को, क्या इस तरीके के कंटेंट को YouTube यहाँ पर जो है वो मोनेटाइज करेगा या नहीं करेगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत ही ज्यादा काम की होने वाली है। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि रिएक्शन शॉर्ट्स चैनल के बारे में, उसके बाद हम समझेंगे कि इस तरीके के कंटेंट को YouTube जो सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा, और इस वीडियो के लास्ट में हम ये भी समझेंगे कि इस तरीके के YouTube चैनल यदि आप बनाते हैं तो उसे आपको किसी भी तरीके का कोई बेनिफिट मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले दोस्तों, यदि हम बात करें YouTube पर रिएक्शन शॉर्ट चैनल के बारे में, या फिर कहें कि शॉर्ट्स चैनल के बारे में, तो मोस्टली यदि आप अपने YouTube चैनल पर ऑल्टेड स्क्रीन या फिर यदि 60 सेकंड से कम की वीडियो को यदि अपलोड करते हैं तो वो ऑटोमेटिक एज ए YouTube शॉर्ट्स कंसिडर हो जाती है, और ऑटोमेटिक वो एज अ शॉर्ट वीडियो के कैटेगरी में आ जाती है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो YouTube की जो मोनेटाइजेशन पॉलिसीज है वो अब यहाँ पर चाहे लॉन्ग वीडियोस हो या फिर शॉर्ट वीडियोस हो, मोनेटाइजेशन का क्राइटेरिया भले ही अलग हो लेकिन जो मोनेटाइजेशन की पॉलिसीज है वो ऑलमोस्ट यहाँ पर सेम ही होती है। यदि कोई ऐसी मोनेटाइज पॉलिसी है जो जिसका वायलेशन यदि आप लॉन्ग वीडियोस में कर रहे हैं और लॉन्ग वीडियोस के थ्रू आपके यूट्यूब चैनल मोनेटाइजेशन इनेबल नहीं हो रहा है, और वही सेम मिस्टेक यदि आप अपने शॉर्ट चैनल के साथ करते हैं तो आपके यूट्यूब चैनल का जो मोनेटाइजेशन है वो शॉर्ट चैनल के थ्रू भी इनेबल नहीं होगा। जैसे कि आज ट्रेंड में बहुत ज्यादा चल रहा है कि कॉपी पेस्ट वीडियो, जहां पे लोग इंटरनेट से तरह तरह की वीडियोस उठाते हैं और उस पर ऑटो जनरेटेड वॉइस को ऐड कर देते हैं, एज इट इज वो जो वीडियो है वो उठाकर अपने शॉर्ट यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर देते हैं, ये सोचकर कि ये शॉर्ट्स तो इजिली मोनेटाइज हो जाते हैं तो हमारा शॉर्ट चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर दोस्तों ऐसा रियलिटी में बिल्कुल भी नहीं होता है। यदि आप यहाँ पर चाहते हैं कि आपके यूट्यूब चैनल का जो मोनेटाइजेशन वो इनेबल हो, चाहे वो लॉन्ग वीडियोस के थ्रू हो चाहे वो शॉर्ट्स वीडियो के थ्रू हो, तो ऐसे में आपको अपने YouTube के प्लेटफॉर्म पर जो उनकी गाइडलाइंस है, जो उनकी पॉलिसीज हैं, उनको अच्छे से पढ़ना होगा, अच्छे से तरीके से समझना होगा, तभी आप अपने शॉर्ट्स चैनल का मोनेटाइजेशन इनेबल कर पाएंगे। तो यहां पर अगर हम बात करें रिएक्शन शॉर्ट्स चैनल का मोनेटाइजेशन इनेबल होगा कि नहीं होगा, तो जी हाँ, जब लॉन्ग वीडियोस का मोनेटाइजेशन इनेबल हो सकता है तो उसी तरीके से यदि आप शॉर्ट्स वीडियोस पर भी अपना एक जेन्युइन रिएक्शन वीडियो बनाते हैं, कमेंट्री करते हुए या फिर उस पर अपना रिव्यू देते हुए, तो उस पर अपने कमेंट करते हुए, तो इस तरीके का यदि आप कोई शॉर्ट वीडियो बनाकर अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करते हैं और वो इंटरेस्टिंग होगा, लोग उस पर इंटरेस्ट लेंगे, तो डेफिनेटली इस तरीके का जो शॉर्ट चैनल है वो यहाँ पर मोनेटाइज हो जाएगा, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। तो अब बात करते हैं कि क्या इससे रेवेन्यू कोई जनरेट कर पाएंगे या फिर क्या इससे आपको कोई फायदा मिलेगा। तो देखिए, लॉन्ग वीडियोस के कंपैरिजन में शॉर्ट वीडियोस पर बहुत ही ज्यादा व्यूज आने के बावजूद भी जो अर्निंग है वो बहुत ही ज्यादा लो होती है। तो यदि आप रिएक्शन वीडियो से रिलेटेड अपने यूट्यूब चैनल पर शॉर्ट्स बनाते हैं तो इसे रेवेन्यू तो आपको अच्छा खासा जनरेटेड नहीं हो पाएगा, रेवेन्यू तो आपको बहुत ही ज्यादा लो ही जनरेट होगा। लेकिन ऐसे में आप अपने कंटेंट को, अपने यूट्यूब चैनल को शॉर्ट्स कंटेंट के थ्रू बहुत ही बड़े लेवल पर प्रमोट कर सकते हैं, और बाद में आप अपने यूट्यूब चैनल पर लॉन्ग रिएक्शन वीडियो को अपलोड कर सकते हैं, जिससे आपका रेवेन्यू जो है यहाँ पर बढ़ सकता है और आपको यहाँ पर अच्छा खासा एक ऑडियंस बेस पहले से ही मिल जाएगा। तो आप अपने YouTube चैनल को प्रमोट करने के उद्देश्य से मेनली एज अ रिएक्शन शॉर्ट चैनल स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उसके जरिए एक अच्छी खासी अर्निंग करना चाहते हैं या फिर एक अच्छा कमाई के नजरिए से आप रिएक्शन शॉर्ट चैनल स्टार्ट कर रहे हैं तो वहां पर आपको थोड़ी सी निराशा हाथ लग सकती है। तो आई होप दोस्तों अब आपको सवालों का जवाब यहाँ पे मिल चुका होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि YouTube से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हम इस चैनल पर लेकर आते रहते हैं। मैं विथन मिलूंगा मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।